फीफा वर्ल्ड कप सन 2026 क्वालिफाइंग राउंड में सऊदी अरब ने तवक्कात के मुताबिक पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त दे दी। ताहम पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपनी हिम्मत और उम्दा खेल से शायकीन के दिल जीत लिए। फीफा की आलमी रैंकिंग में 57वें नंबर पर मौजूद सऊदी टीम का कौमी टीम के नौजवान खिलाड़ियों ने डट कर मुकाबला किया और मैच का दौरानिया मुकम्मल होने तक महज 2 गोल के खसारे में थे, लेकिन तजुर्बे की कमी के बाइस इजाफी वक्त में मेजबान टीम मजीद 2 गोल करने में कामयाब हो गई। जमेरात की शब अल फतेह स्टेडियम में खेला जाने वाला ग्रुप जी का पहला मैच पाकिस्तान फुटबॉल टीम के लिए तारीखी हैसियत का हामिल रहा। पाकिस्तान ने पहली मरतबा फीफा आलमी कप क्वालिफायर्स का दूसरा राउंड खेला है। मैच के आगाज से कबल शुरू होने वाली बारिश ने कौमी टीम के अरमानों पर पानी फेर दिया। मैच में पाकिस्तान टीम ने मजबूत हरीफ टीम के खिलाफ कदरे बेहतर खेल का मुजाहिरा किया, ताहम खिलाड़ियों ने जल्दबाजी के सबब गोल करने के कई मौके ज़ाया किए। मैच के पहले हाफ के अख्ताम पर फातह टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल थी। ये गोल खेल के 6वें मिनट में सेंटर फॉरवर्ड अलशहरी ने किया। सऊदी अरब का दूसरा गोल भी 48वें मिनट में अलशहरी ने पेनल्टी किक पर किया। अब्दुल रहमान गरीब ने मैच खत्म होने से 2 मिनट पहले गोल दागा, फिर आखिरी लम्हात में सऊदी टीम ने एक और गोल करके पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त दे दी। फीफा की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान 193 नंबर पर है। सऊदी अरब के सालेह अलशहरी के 2 गोल करने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। फुटबॉल के सऊदी शायकीन और मुमलिकत में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद बड़ी तादाद में अल अहसा के अल फतेह क्लब स्टेडियम में इस मैच से लुत्फानंदोज हुए। पाकिस्तान अपना अगला मैच 21 नवंबर को इस्लामाबाद के जिन्ना स्टेडियम में ताजिकिस्तान टीम के खिलाफ खेलेगा।